Assalamualaikum students, I'm your computer teacher. Today we will learn our lesson number 1, history of computers, and make the concept clear for the question 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Question number 4 is, what did the tabulating machine use for storing data? It's mean that के टैबुलेटिंग मशीन डाटा को स्टोर करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करती है. द आंसर इज टैबुलेटिंग मशीन यूज्ड पंच कार्ड्स फॉर स्टोरिंग डाटा. कि टैबुलेटिंग मशीन के अंदर किस तरीके से डाटा स्टोर होता है, पंच कार्ड्स की मदद से डाटा स्टोर होता है. क्वेश्चन नंबर 5, विच कंप्यूटर्स फॉलोड द आइडियाज ऑफ चार्ल्स बैबेज एंड when was it developed and by whom. के चार्ल्स बैबेज का आइडिया कौन से कंप्यूटर्स ने फॉलो किया और कब इसको डेवलप किया गया और किसने किया. ठीक है, कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि चार्ल्स बैबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर है, तो हम पूछ रहे हैं कि ये आइडिया कब पेश किया गया और इसको किसने आगे बनाया. तो इसका आंसर है मार्क वन कंप्यूटर्स फॉलोड द आइडियाज़ ऑफ चार्ल्स बैबेज. कि मार्क वन कंप्यूटर्स जो बनाए गए थे उन्होंने सबसे पहले चार्ल्स बैबेज का आइडिया फॉलो किया. और ये कब डेवलप किए गए, इट वॉज डिवेलप्ड इन 1941 बाय प्रोफेसर हॉवर्ड एकन. के जिस साइंटिस्ट ने इनको डेवलप किया है उनका नाम है प्रोफेसर हॉवर्ड एकन इन 1941. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ एनिक. एनिक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. के ये हमारे पास एक डिवाइस है, कहते हैं कि उसकी क्या हदूद है. ठीक है, कि उसके अंदर क्या कमी हो सकती है, क्या खामी हो सकती है. तो द लिमिटेशंस ऑफ एनिक आर, नंबर फर्स्ट है इट वाज वेरी बिग इन साइज, के साइज में बहुत बड़ी है. एंड इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं. ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वाज एडसेक डिफरेंट फ्रॉम एनिक. एडसेक भी हमारे पास एक और डिवाइस है. एडसेक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत ज़्यादा. एडसेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. ठीक है, ये कंप्यूटर सॉरी. तो ये भी हमारे पास एनए की तरह ही एक डिवाइस है. तो कहते हैं कि वो किस तरीके से एनएक से डिफरेंट है. तो हमने एनए की अभी लिमिटेशंस पढ़ी, वो क्या था कि वो बहुत बड़े साइज़ में थी. तो उसके मुकाबले में एडसेक इट वाज स्मॉलर इन साइज देन एनएक, यानी कि ये एनएक से साइज में स्मॉलर है. इट हैज़ फास्टर स्पीड देन एनएक, इनकी एनएक से ज़्यादा स्पीड है. और बिसाइड स्टोरिंग डाटा एंड कैलकुलेटिंग इट कैन आल्सो स्टोर प्रोग्राम. के हमने पीछे पढ़ा कि पहले डाटा किस में स्टोर होता था, पंच कार्ड्स में स्टोर होता था. तो ये क्या है, डाटा को कैलकुलेट करने के लिए और स्टोर करने के लिए प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द पर्सनल कंप्यूटर एंड व्हेन. के सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया और कब बनाया. विलियम सी लुई डेवलप द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन 1981. विलियम सी लुई ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया 1981 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डेटा. डेटा इज़ अ रॉ इंफॉर्मेशन अबाउट
फैक्ट्स एंड फिगर। डाटा जो है वो मतलब जो हम इधर उधर से हमें कोई इंफॉर्मेशन कोई रिकॉर्ड मिल रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। वो अरेंज फॉर्म में नहीं होता। अरेंज फॉर्म में अगर डाटा को लिख दिया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, तो डाटा इज़ अ रॉ इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बरए मेहरबानी इनको जिन बच्चों ने नहीं लिखा हुआ वो लिखिए और